हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टेक सॉल्यूशन चैनल। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट वीडियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और अपना न्यू चैनल जो है वो उसकी पहली वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप बिना किसी कोडिंग के कोई भी एंड्रॉयड गेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी नहीं, चंद एक गेम्स होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊँगा विदाउट एनी कोडिंग आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपनी गेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ये सीरीज़ को मुकम्मल देखेंगे तो आपको वक्तन फवक्तन या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये पूरी चीज़ गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से गेम बनाने के बाद उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद एडमोब की एड्स उस पर लगाकर, यानी गूगल एडसेंस की एड्स उस पर लगाकर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आप लोगों को मेरे जो पूरा मुकम्मल जो इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ होगी वो देखनी होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पहले एक गेम बनाना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से बनाते हैं, फिर दूसरी में दूसरी गेम, तीसरी वीडियो में तीसरी गेम, चौथी में चौथी गेम, ठीक है, 3 से 4 गेम हम बनाएंगे, फिर तमाम को हम एक ही वक्त में गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से उसको पब्लिश कर सकते हैं। फिर उन तमाम के ऊपर हम गूगल एडमोब की एड्स भी लगा कर देखेंगे कि किस तरीके से हम उसके ऊपर ऐप लगा सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। चले शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त अपने पीसी के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उस वेबसाइट पे जहाँ पे हम इजीली जो है अपनी एप्लीकेशन यानी अपनी गेम जो है वो जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए वेबसाइट है क्विक ऐप निंजा, ठीक है। आप जब गूगल पे जस्ट सर्च करेंगे ना क्विक ऐप निंजा तो आपके सामने जो है वो वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं वो गेम्स। तो ये है क्विक ऐप निंजा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आपको जस्ट यहाँ पर आना होगा और रजिस्टर नाउ को आपने क्लिक करना होगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं इसको दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना होगा, सॉरी रजिस्टर करके लॉगिन करना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आप जीमेल या फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। या आप इसको फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं या जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने खुद इसको जीमेल से लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मेरे यहाँ पर 2 गेम्स बनी हुई हैं जिसमें से तकरीबन इन दोनों के 150-150 के करीब, इसके 200 के करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं और इस गेम के 100 के करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा भी डाउनलोड्स हो जाएंगे। मैंने अभी जो है इसके ऊपर जो है डाउनलोड्स अभी नहीं किए, यानी कि इसको प्रमोट नहीं किया, तो इसलिए ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं है। अगर आप प्रमोट करेंगे तो ईज़िली आपके 1000-2000 तक डाउनलोड्स हो जाएंगे। जब आपके 1000-2000 तक डाउनलोड्स हो जाते हैं तो आप इजीली डेली का $5 to $10 इजीली जनरेट कर सकते हैं एडमोब के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्रिएट अ न्यू गेम की तरफ। तो जैसे ही मैं क्रिएट अ न्यू गेम को क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए 5 गेम्स हैं। आप इनमें से कोई सी भी गेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो गेम नहीं है बेसिकली चैट स्टोरी है, ये एक फेक चैट स्टोरी बनाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं बाद में आपको बताऊंगा, या आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज के इस गेम के अंदर जो है, यानी कि इसके अंदर हम वर्ड फाइंड की गेम, फाइंड वर्ड्स की गेम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको क्रिएट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ तो ये हमें उस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। चंद सेकंड वेट करना होगा तो हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पर। तो ये है बेसिकली इसका इंटरफेस। यहाँ पे हम जाकर इसको इंस्टॉल वगैरह या इसके सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो इसका मेन पेज आएगा वो आपके सामने ये आएगा। ये है आपका डिज़ाइन का, आप अपनी गेम का डिज़ाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके फुटर पर ये क्विक ऐप निंजा का लोगो रहेगा उस वक्त तक अगर आप इससे गेम को ख़रीदते नहीं हैं। जब आप इसका गेम को ख़रीद लेंगे तो ये अपना लोगो यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से $9 की ये आपको पे करते हैं। $9 अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी। तो वो आप लोग इसको पे करके तो ये गेम अपने नाम करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं रेड करता हूँ या कोई भी आप कलर करना चाहते हैं, या अपना कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैटर्न की कोई इमेज पड़ी हुई है, अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो लगा सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेन्यू है, ये आपका मेन पेज था। मेन्यू की सेटिंग है, मेन्यू की सेटिंग इस तरह नज़र आएगी। आप इसकी मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। मेन्यू को चेंज करने के लिए भी इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने बैकग्राउंड का कलर अगर सेम रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ से अगर पैटर्न वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर मेन कलर में जाए
ये मेन कलर्स कौन से हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं चेंज करके। ये देखिए वो अबाउट का है, यहाँ सॉरी ये मेन कलर्स में नीचे लिखा हुआ है अबाउट की जो कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अबाउट के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ से सबको वाइट कर देते हैं जो हमें दिखने में खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे लेवल्स, ये है लेवल्स का कलर, ये लेवल्स के कलर को मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ये साउंड ऑफ का ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, सो इसलिए वो डिस्प्ले भी नहीं कर रहा उसका कलर। ये आ गया। अब यहाँ पर गेम नेम में आप जो है प्ले बिग, जो प्ले बिग कलर है उसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप इसको यहाँ पर रेड कर सकते हैं, या कोई भी कलर आपको देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर टाइटल, टाइटल का आप कलर चेंज कर लें, टाइटल का कलर भी रेड में कर दें, और जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। प्ले कलर जो है, प्ले का कलर वाइट ही हमें ठीक लगेगा। प्ले लेवल, लेवल का कलर भी हमें यही वाइट में ठीक लगेगा। सोशल आइकन ना उनके आप अलग से सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह फिर चलते हैं गेम प्ले में। गेम प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी वो पूरे उसकी सेटिंग बताएगा। आप इसका भी कलर सेम वैसे ही कर दें जो आपने बाकियों का किया हुआ है। यहाँ पर बाकियों के कलर जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं चीज़ों के, जैसे सर्कल है, लेटर स्टाइल, ठीक है। तो ये सर्कल आपको जो सर्कल में चाहिए या लेटर स्टाइल या स्क्वायर बॉक्सेस में चाहिए, इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए, मुझे सर्कल में अच्छा लग रहा तो आप सर्कल ही रहने दें, ठीक है। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड कलर जो है वो सॉरी बैक कलर, जो ये बैक का बटन है इसका कलर क्या रखना चाह रहे हैं आप, इसका कलर वाइट कर दें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है वाइट, और इसको बल्कि हम रेड कर देते हैं, और जो लेवल्स हैं वो हम वाइट में कर देते हैं। तो ये टाइटल है, टाइटल भी वाइट में होगा, और शॉप वाला भी वाइट में होगा, ये ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सेल बिग, तो ये जो देखो बैकग्राउंड कलर, सेल बैकग्राउंड कलर, जो नॉर्मल सेल होंगे उनका बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी इनका कलर वाइट कर दें, ठीक हो गया, कि जो अभी जिनके ऊपर काम नहीं हुआ। सेल कलर, यहाँ पे सेल के अंदर जो लेटर्स हैं उनका कलर क्या हो, तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं उसको। हिंट का, ये जो हिंट का बटन है इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हिंट्स का बैकग्राउंड जो कलर है, ये देखो ये हिंट्स का बैकग्राउंड कलर है, और ये भी हिंट्स है, ये दो चीज़ें, ये देखें, ये हिंट्स का इतना वाला एरिया का कलर है और ये इस वाले एरिया का कलर है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं। ये गेस वर्ड्स की नीचे से स्टाइलिंग है, वो भी आप ऐसे ही रहने दें। रेटस, अगर आप रेटस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे रेटस के लिए भी आपको बैकग्राउंड कलर, ये अगर आपने अपनी थीम बनानी है तो आपको जो थीम का मुकम्मल कलर है वो सेम अपने जैसा ही रखना होगा, ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे। यहाँ पे लेटर का कलर जो है वो ज़रा डिम हो गया, तो हम लेटर को ये कर देते हैं, और आपका ये वाला भी हो गया। अलर्ट में जाते हैं, अलर्ट में भी आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो यही चाहिए, और बाकी आपका काम मुकम्मल है। वेल डन में जाते हैं, तो वेल डन में भी आपको बैकग्राउंड कलर सेम यही चाहिए, और जो इसका टाइटल का कलर है वो आपको वाइट चाहिए, और हिंट में जाके हम इसको रेड कर देते हैं ताकि पढ़ा तो जाए कम से कम। हिंट्स में जाते हैं, और हिंट्स के अंदर भी सेम बैकग्राउंड कलर ये वाला चलेगा, और जो टाइटल्स हैं, टाइटल है वो वाइट में चलेगा, और जो हिंट्स कलर है यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज के जो ऑप्शन है ये भी आपको वाइट में चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं, बाकी आइकन्स के कलर वैसे रहने देते हैं। और यहाँ पर जो हिंट्स है, ये देखो ये हिंट है, इसका कलर आप बेशक रेड कर दो ताकि पढ़ा तो जाए। और जो लिंक कलर है, हिंट डिस्क्रिप्शन, ये आई थिंक येलो कर देते हैं, या कोई और कलर जो भी आपको लगता है वो वैसे बेस्ट रहेगा। और बाय हिंट्स के अंदर आते हैं, बाय बैकग्राउंड कलर को भी आप रेड में कर दो ताकि नज़र आए ये सारा। अब आते हैं हम लेवल्स की तरफ। लेवल्स कैसे शो, सेम वैसे ही, ये हमारी गेम की अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग हो रही है, और सेम वैसे ही मैं जल्दी जल्दी इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर लेता हूँ। वाइट लेवल्स भी वाइट, अच्छा सच बैक कलर हमने रेड रखा हुआ है, ऐसे ही है ना, तो हम बैक का कलर रेड कर देते हैं। ये देखिए ठीक है, बाकी हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी का कोई इशू नहीं है। अबाउट में चलते हैं। अबाउट की आई थिंक वो स्टाइलिंग चेंज भी नहीं करने देगा, ये उस वक्त तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसको परचेज नहीं कर लेते, तो इसको वैसे ही रहने दें। एग्जिट की जो ऑप्शन है, एग्जिट का भी आप सेम वैसे ही कर दें, इसकी भी बैकग्राउंड कलर को आप ऑरेंज कर दें, और बाकी काम वैसे का वैसे ही रहने दें, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग होगी। अब चलते हैं कॉन्टेंट के अंदर। कॉन्टेंट में आप इसकी गेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सिर्फ 3 से 4 स्टेजें बनाकर तो आपको बताता हूँ कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3x3 का भी गेम बनाता हूँ। यहाँ से मैंने 3x3 का सिलेक्शन की, लेवल 1 है इस वक्त मैं, और लेवल 1 क्या क्रिएट करूंगा, यहां पर आपको पहले वर्ड्स डिफाइन करने होंगे। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं REDD, यहां पे रेड की जगह पे मैं ब्लू कर देता हूं, क्योंकि मुझे लेटर भी तो पूरे करने हैं ना, BL
UE COLOR, ठीक हो गया। और डिफाइन वर्ड्स में जाके इसको बताना है कि बेसिकली आपने वर्ड्स क्या रखे हैं। मैंने रखे हैं ब्लू कलर, यहाँ पे दो कलर्स हैं, देखें यहाँ पे ब्लू और ये कलर, दो वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब एक लेवल हमारा बन गया, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, एडर लेवल को क्लिक किया, यहाँ से फिर 3x3 का पकड़ा और आप यहाँ पे भी लिख दें एस, ठीक है। मैं अभी अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से वर्ड्स लिखने हैं जब आप गेम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वर्ड्स हेलो गाइस। तो अब जो भी इसको इस तरह से सिलेक्ट करेगा तभी इसका लेवल जो है कंप्लीट होगा। लेवल नंबर 2 पे चले जाते हैं और इसी तरीके से मैं थर्ड लेवल भी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ डमी टेक्स्ट डाल के तो इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। डिफाइन वर्ड्स में जाकर राइट लेफ्ट, ये मेरे 3 लेवल्स क्रिएट हो गए। आप इससे ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने क्रिएट करें, जितने ज़्यादा होंगे लोग खेलते रहेंगे आपके गेम पे, जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, वो उसको उनको गेम इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जो है पैसों से गर्ज है बेसिकली। हमें तो डॉलर बनाने से गर्ज है, तो हमें एडमोब के थ्रू ज़्यादा अर्निंग होगी। यहाँ से साउंड्स को हम रहने देते हैं। आइकन में आकर आप यहाँ पे अपना कोई आइकन क्रिएट करके तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप इनका डिफॉल्ट आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना कोई आइकन बनाएंगे, जैसे कि मैंने खुद अपना एक आइकन क्रिएट किया था फोटोशॉप के अंदर या उसके अंदर कोरल ड्रा के अंदर, वो आप यूज़ बनाने के बाद तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, अपलोड योर ओन आइकन, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका ही आइकन भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी चलेगा, ठीक है। यूज़ दिस आइकन को आप क्लिक करें तो आपका यूज़ दिस आइकन भी चल जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, उन्होंने यही वाला आइकन मेरी ऐप का रख दिया, ठीक है। अब हमने जाना है सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, सैम्पल वर्ड्स गेम, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। मैं अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और नीचे प्राइवेसी पॉलिसी वैसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर। ये देने के बाद अब सेटिंग्स के अंदर ये जर्नल हो गया, हिंट मैनेजमेंट में जाते हैं तो हिंट मैनेजमेंट के अंदर जो है ना आपको यहाँ पे बताना होगा न्यू यूज़र विल रिसीव हिंट्स। जो भी न्यू यूज़र आएगा आपकी गेम के अंदर उसको स्टार्टिंग पर ही 10 हिंट्स मिलने चाहिए। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कंप्लीटेड लेवल, जो भी आपका लेवल को कंप्लीट करे उसको कितना इनाम में हिंट्स मिलने चाहिए, हम कहते हैं उसको एक हिंट मिलना चाहिए, ज़्यादा हिंट नहीं मिलना चाहिए। फॉर शेयरिंग हिंट्स, जो आपकी गेम को शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ तो उसको कितने हिंट्स मिलने चाहिए, उसको 5 हिंट्स मिलने चाहिए। रिपीटेड शेयरिंग, अगर वो दोबारा से घंटों के बाद शेयर करता है, यानी कि सॉरी उसके घंटे कितने होने चाहिए, कितने घंटों के बाद वो दोबारा से शेयर कर सके गेम को, तो हम कहते हैं 12 घंटों के बाद, ठीक है। 12 के बजाय मैं 24 कर देता हूँ, एक दिन के बाद वो दोबारा से शेयर करने के उसके पास ऑप्शंस आए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वाइट लेबल, ये देखें, ये है कि अगर आप लोगों अभी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी ये $9.99 का आपको मिलेगा, लेकिन जब आप इसको बनाने के बाद पब्लिश कर देंगे तो उसके बाद अगर आप इसको ख़रीदना चाहेंगे तो ये ₹19 का हो जाएगा, यानी $2000 का, सॉरी ₹2000 का तकरीबन आपको ये गेम परचेज करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये जस्ट आपकी हो गई। अब चलते हैं मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन हम इसके अंदर बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी गेम को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई, अब इसको जनरेट गेम को हम क्लिक करते हैं और ये सेंड कर देते हैं। ये बेसिकली लिखा 24 आवर्स में आपको आपकी गेम मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर गेम आपकी बनाकर आपको सेंड कर देंगे। फिर हम इसकी यहाँ पे देखें, अभी वर्जन अभी क्रिएट नहीं हुआ आपकी गेम का, तो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इजीली अपनी गेम भी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर बैठकर हार्डली इन 5 to 10 मिनट्स। और अगर आप लोगों को वाकई में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी वीडियो के नीचे मौजूद जो रेड सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया। Goodbye.